हेलो डी रेस्टोरेंट, माई सेल्फ अभिलास मिश्रा, कंप्यूटर ट्रेनर। माई मेरे यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपलोड मिलता रहे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या क्या होती हैं और हम उनमें हम क्या क्या खरीद सकते हैं, कौन सा आइटम किस यूनिट में आएगा, हम किस हिसाब से खरीदेंगे। तो आइए मैं आज आपको वही बताता हूँ कि टैली के अंदर हम कैसे यूनिट को खरीदेंगे। तो टैली में स्टॉक जो आइटम होता है एक यूनिट में हमें क्या करना होता है, मेंटेन किया जाता है। मैं एक यूनिट में मेंटेन किया जाएगा, जैसे कि कोई वस्तु है। अगर यूनिट का मतलब क्या है, जैसे पता ही नहीं पड़ेगा हमें कौन सी वस्तु किस यूनिट में आ रही है, तो हम वो हम सेल्स और बेच करने के लिए हमें उस हिसाब से खरीदने पड़ेंगे और बेचें। तो मैं आपको एग्जाम्पल ऑफ यूनिट समझा देता हूँ। जैसे कि मुझे कोई भी चीज नंबर्स में खरीदनी है कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो उसकी जो यूनिट्स होगी वो NOS होगी, नंबर ऑफ सिस्टम। उसके बाद अगर मुझे कोई भी चीज़ किलोग्राम में खरीदनी है, जैसे कि मान लो आपका किलोग्राम में अनाज हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, फल वगैरह हो गई, आपके किलो में खरीद जाते हैं, तो इसकी यूनिट जो है वो किलो केजी हो गई, किलोग्राम। अगला हो गया नंबर, खाली नंबर में खरीदना है तो आपको NO लिखना होगा। और अगर आपको सेंटीमीटर में खरीदना तो उसकी जो होती है यूनिट जो होगी वो CM हो जाएगी, CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। अगर आपको कोई भी चीज़ ग्राम में खरीदनी है, जैसे सोना है, चांदी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसकी जो ग्राम में जो यूनिट आएगी किसकी, वो GM हो जाएगी। अगला उसके बाद क्या हो, कोई चीज़ हम मीटर में, जैसे कपड़ा है, कपड़ा हम खरीद रहे हैं, 5 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया, 7, तो उसकी जो मीटर की जो हमें यूनिट जो खरीदनी होगी, मतलब करनी है, तो उसकी MT का मतलब होगा मीटर। और अगर कोई चीज़ हमें पीस में खरीदनी है कि 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 8 पीस, तो उसकी जो होगी वो PCS होगी। अगर हमें कोई चीज़ लीटर में खरीदनी है कि 5 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, तो उसकी जो होगी LT होगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि यूनिट जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ग्राम ले लिया, NOS ले लिया, KG, किलोग्राम ले लिया, नंबर्स ले लिए, सेंटीमीटर ले लिए, मीटर ले लिया, पीस ले लिया, ये तो जो हमारे सिंपल यूनिट्स हैं। और अभी इसी चीज को क्या है कि एक जैसे बॉक्स हो गया, अब एक बॉक्स के अंदर जो है कंपाउंड्स जो यूनिट जो है, इस बॉक्स में अंदर क्या होगा, एक बॉक्स में 10 पीस हो गए, तो वो उसमें क्या हुआ, बॉक्स के हिसाब से लगेगा कि एक बॉक्स है उसके अंदर 10 पीस हो गए, तो वो हमारी हमारी कंपाउंड यूनिट हो गई। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट मेंशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताता हूँ यूनिट्स मेंशन के बारे में बचाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा बाउचर टाइप जो होते हैं उसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टैली को मिनिमाइज कर रखा, तो यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे कोई भी टॉपिक करने से पहले कंपनी क्रिएट करनी होगी, तो मैं यहाँ पर कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी पे गया और मैंने यहाँ पे यूनिट्स के नाम से क्या बना दी, कंपनी बना दी यूनिट्स। तो यहाँ पे मुझे उत्तर प्रदेश कर देता हूँ क्योंकि मैं यूपी में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश से कर दिया। और इसे पूरा फॉर्म आप भर सकते हो, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया। तो यहाँ पे एंटर करके मैं इसे एक्सेप्ट करा सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे यूनिट्स बनानी होती तो यूनिट्स बनाने के लिए मुझे इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा। इन्वेंट्री इन्फो का मतलब क्या है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, जो इन्फो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, फिर यूनिट मेंशन का ऑप्शन है। यूनिट का मतलब क्या, मैं आपको बता दिया कोई चीज प्रोडक्ट में, जब मैंने लिए कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर को दो में कितने में आया, तो उसकी यूनिट क्या डालूंगा, मैंने 2 पीस खरीदे हैं, 4 पीस खरीदे थे, तो उसकी यूनिट क्या डालूंगा PCS में। तो यूनिट मेंशन पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ। क्रिएट का मतलब क्या, कोई भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज करो शॉर्ट में लिख दिया मैंने QT बाई क्या है, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा क्वांटिटी। QT बाई को मतलब क्या होगा, क्वांटिटी, ताकि अगर मैं पूरा मैं शॉर्ट में अगर लिख रहा हूँ तो आप उसको डिफाइन कर सकूँ ये क्या था, कि ये मेरी क्वांटिटी थी, क्या थी मेरी क्वांटिटी, सही है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी मैंने 2 डाली और एंटर करके एक्सेप्ट कर। ऐसी मुझे आपको लिखना है NOS लिखना है, NOS डाला, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा नंबर्स, नंबर्स, तो यहाँ पर 2 स्टेप से मुझे अपने यूनिट्स को मेंशन लगाया। तो ये तो रही। अब यहाँ पर बैक जाने के लिए आपको ESC प्रेस करनी होगी, ESC से बैक मेन पेज आप जा सकते हो। सर आपको देखना होता तो अल्टर पे आकर देख सकते हो। तो देखो मैंने 2 यूनिट बनाई है, दोनों यूनिट मेरी आ चुकी हैं। उसके बाद अगर मुझे बाउचर टाइप के बारे में बताता हूँ, बाउचर टाइप क्या होते हैं, जैसे कि हमें कोई भी बाउचर बनाने होते हैं, जैसे कि जनरल बाउचर है या कॉन्ट्रा बाउचर है, तो हमें आपको बाउचर बनाने बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बाउचर टाइप पे, तो बाउचर टाइप पे गए, क्रिएट पे क्लिक करा। अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे बनाना है सेल्स का बाउचर बनाना है, सेल्स में होता है खरीदना, तो ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट दिखा रहा है, ये ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट कर लेता हूँ, ताकि मैं थोड़ा नाम चेंज कर लूंगा, सेल्स अकाउंट के नाम से बन जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या है सेल्स अंडर जो सेल्स अकाउंट के अंडर डालना होगा, और मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक करके एंटर क्या करना होगा, मुझे एक्सेप्ट कराना होगा।
जो बाउचर में आपकी जब आगे की टैली आपको जो प्रैक्टिकल टैली के होते हैं, मतलब जो टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा वो तो उनसे रिलेटेड आपको मैं पूरी डिटेल समझा दूंगा। अभी मैं आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो या BSC से बैक जाकर मेन पेज जा सकते हैं हम, इसके होम पेज पे जाके चले जाएंगे तो ये मेन पेज पे आ जाएगा। सही है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपलोड आपको